हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीके टेक्निकल पॉइंट। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम जानेंगे किस तरह से आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में मौजूद फंक्शंस कीज का यूज करके अपने वर्क को इजी कर सकते हैं। यानी कि आप जानेंगे आज F1 से लेकर F12 की जो फंक्शंस कीज होती है इनका क्या यूज होता है, इनको प्रेस करने से क्या इफेक्ट आता है। यानी कि F1 से लेकर F12 तक की जो भी फंक्शंस कीज है इनका आज वर्क फंक्शन जानेंगे, इनका क्या वर्क होता है और इनको यूज करने से कि अपने वर्क में इफेक्ट आता है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे आने वाली इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो टॉपिक को स्टार्ट करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। फंक्शन कीज के यूज के बारे में जानेंगे, किस तरह से फंक्शन कीज वर्क करती है। सबसे पहले जानते हैं F1 के बारे में। आप किसी भी विंडो में काम करते हैं, किसी भी एप्लीकेशन पे काम करते हैं, अगर वहां पे आपको कोई भी हेल्प चाहिए उस एप्लीकेशन रिगार्डिंग, तो आपको वहां पे F1 प्रेस करेंगे तो वहां पे उसका जो हेल्प सेंटर होगा वो ओपन हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे गूगल क्रोम में F1 प्रेस किया तो यहाँ पे इसका हेल्प सेंटर ओपन किया है। इस तरह से यानी कि F1 प्रेस करने से उसका हेल्प सेंटर ओपन हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा F2। F2 का वर्क होता है रीनेम फोल्डर। यानी किसी भी फोल्डर का नाम रीनेम करने के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम उस फोल्डर पे जाएंगे और वहां पे राइट क्लिक करेंगे और वहां पे जो हमारा ऑप्शन होगा रीनेम का उस पर क्लिक करते हैं। इस तरह से रीनेम के लिए इस तरह से रीनेम का ऑप्शन आता है। लेकिन इसमें क्या करना है, हमें उस फोल्डर पे जाना है और F2 प्रेस करना है तो उससे डायरेक्टली हम उस रीनेम को इसमें कोई भी हम नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं। यानी कि F2 का वर्क होता है किसी फोल्डर के नेम को चेंज करना। नेक्स्ट है F3। F3 का यूज होता है सर्च एप्लीकेशन। यानी कि हम यहाँ पे एक एप्लीकेशन ओपन है, हम यहाँ पे गूगल में वर्क कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे कोई भी सर्च करना है तो यहाँ पे प्रेस करेंगे F3 तो हमारे सर्च बॉक्स ओपन हो गया है और इसमें हम कुछ भी हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। इस तरह से शॉर्टकट में हम F3 का यूज करते हैं कुछ भी सर्च करने के लिए दी हुई एप्लीकेशन में। F4 का यूज होता है किसी भी हमारे जो भी एप्लीकेशन ओपन है उसको क्लोज करने के लिए या फिर अपने सिस्टम को रिस्टार्ट और शट डाउन करने के लिए। नॉर्मली अगर हम F4 को प्रेस करेंगे तो इसका कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन Alt के साथ F4 प्रेस करेंगे तो जो भी हमारी एप्लीकेशन ओपन है वो यहाँ पे क्लोज हो जाएगी और फिर Alt के साथ हम एक बार और F4 प्रेस करेंगे तो हमारा सिस्टम है इसमें हमारे लिए ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे शट डाउन करना है, रिस्टार्ट करना है, स्लीप करना है, ये काफी सारे ऑप्शन है इसके। ठीक है, तो सारे ऑप्शन आ जाएंगे, इनमें हम इसको शॉर्टकट में सिस्टम को शट डाउन या रिस्टार्ट कर सकते हैं F4 का यूज करके। F5 का यूज हम अपने जो सिस्टम है उसको रिफ्रेश करने के लिए करते हैं। नॉर्मली हम रिफ्रेश किस तरह से करते हैं, इस तरह से माउस से राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो रिफ्रेश का ऑप्शन आता है उस पर क्लिक करते हैं तो हमारी जो फोल्डर है ये रिफ्रेश हो जाते हैं। लेकिन हम अगर F5 प्रेस करेंगे डायरेक्टली तो ये भी रिफ्रेश होने लगते हैं। इस तरह से हम इनको रिफ्रेश कर सकते हैं। और इसका एक और यूज है F5 का, जो भी हमारी विंडो ओपन है अगर हम यहाँ पे F5 प्रेस करते हैं तो इसको भी हम पेज को रीलोड कर सकते हैं। इस तरह से F5 रिफ्रेश करने के लिए और पेज को रिलोड करने के लिए हम यूज करते हैं शॉर्टकट में। F6 का यूज होता है URL को हाईलाइट करने के लिए। यानी जो भी हमारा URL ओपन है उसको हाईलाइट करना है तो हमें F6 को प्रेस करेंगे। जैसे हमारा URL ओपन है, अब मैं यहाँ पे F6 प्रेस करता हूँ तो हमारा जो URL है हाईलाइट हो गया। इसमें कुछ भी हम टाइप करके कुछ भी हम इसमें सर्च कर सकते हैं। इस तरह से URL को मैं कुछ भी सर्च करने के लिए उसको हाईलाइट करने के लिए F6 का यूज करते हैं। F7 का यूज MS Word में हम स्पेलिंग चेक के पर्पज से करते हैं। अगर हमें कोई भी MS Word में हमने कुछ भी टाइपिंग किया हुआ है उसमें अगर स्पेलिंग चेक करनी है तो हम F7 का यूज प्रेस करके उसकी स्पेलिंग को इस तरह से चेक कर सकते हैं। कोई भी ग्रामर मिस्टेक्स वगैरह है तो उसको हम वहां पे करेक्ट कर सकते हैं इसके यूज से। F8 का यूज, हमने जो MS Word में मैटर वगैरह टाइप किया हुआ है उसको सेलेक्ट करने के लिए हम F8 का यूज करते हैं। यानी हमारे ये यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है इसको हमें सबको सेलेक्ट करना है तो F8 को प्रेस करेंगे ये जो भी हमारा मैटर ये सेलेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हम F8 का यूज करते हैं अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए। F9 का यूज सी लैंग्वेज प्रोग्राम्स में प्रोग्राम्स को रन करने के लिए यूज करते हैं। जब भी आप सी लैंग्वेज प्रोग्राम को रन करना चाहते हैं तो आप F9 प्रेस करेंगे तो वहां पे आपका प्रोग्राम रन होने लगेगा तो वहां पे F9 का यूज करते हैं। F10 का यूज MS Word में मेन्यू बार को एक्टिवेट करने के लिए किया जाता है। यानी कि हमारे जो मेन्यू बार है इनको हमें एक्टिवेट करना है कीबोर्ड की हेल्प से तो हम क्या करेंगे F10 प्रेस करेंगे। जितने भी हमारे ये फंक्शंस हैं इनके सामने इंसर्ट अगर आप N प्रेस करते हैं तो इंसर्ट हो जाएगा। डिजाइन के लिए आपको G प्रेस करना है, लेआउट क्लिप भी। इस तरह से यहाँ पे ये सारे सभी के ऊपर ऑप्शंस दिखाई देते हैं। यानी कि आप अपने मेन्यू बार को के फंक्शंस जो है इनको एक्टिवेट कर सकते हैं F10 प्रेस करके फंक्शंस की इसका यूज करके।
F11 का यूज होता है आप जो जिस स्क्रीन पे वर्क कर रहे हैं उसको फुल साइज या नॉर्मल साइज में करने के लिए, यानी आप यहाँ पे वर्क कर रहे हैं इसमें गूगल में, गूगल क्रोम में, तो इसको F11 प्रेस करेंगे यहाँ पे तो इसका जो साइज है फुल हो जाएगा, फुल स्क्रीन हो जाएगी। आप दोबारा इसको F11 प्रेस करेंगे तो आप इसका साइज नॉर्मल हो गया। इस तरह से अपनी जो स्क्रीन है आप यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखते हैं उसको अगर आप फुल साइज में देखना है तो आप F11 प्रेस करेंगे, या फिर आपको नॉर्मल में देखना है तो उसको F11 करके आप नॉर्मल में जा सकते हैं, यानी कि F11 का यूज फुल साइज टू नॉर्मल, नॉर्मल टू फुल साइज के लिए करते हैं। F12 का यूज हम MS वर्ड में फाइल को सेव करने के लिए करते हैं। हमारी जमाने MS वर्ड में ये फाइल है, अब इसे हमें सेव करना है तो F12 प्रेस करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें जहां भी इसको हमें डेस्कटॉप पे सेव करना है, जहां भी हमें इसे सेव करना है वहां पे सेव कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा F1 से लेके F12 तक फंक्शंस कीज के बारे में दी गई जानकारी, F1 की क्या वर्क करती है, F2 की क्या वर्क करती है, F12 तक ये कीज क्या क्या वर्क करती है और इनका आप अपने वर्क में किस तरह से इनको यूज कर सकते हैं और अपने वर्क को किस तरह से इजी बना सकते हैं। दोस्तों मेरे द्वारा देखिए सारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे आने वाली इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।